झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा द्वारा प्रत्याशियों की सूची जारी करने के बाद टिकट न मिलने पर प्रत्याशियों का पार्टी छोड़ना जारी है। दुमका विधानसभा सीट से भाजपा ने जब पूर्व सांसद सुनील सोरेन को उम्मीदवार बनाया तो टिकट की आस देख रही भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता रघुवर सरकार में मंत्री रही लुईस मरांडी ने झामुमो का दामन थाम लिया। झामुमो ने इस बार लुईस मरांडी को जामा विधानसभा सीट से टिकट दिया है। लुईस मरांडी के रांची से लौटने के बाद दुमका भाजपा के नगर अध्यक्ष सहित 25 प्रखंडों के लुईस समर्थक भाजपा कार्यकर्ता खिजुरिया स्थित गुरुजी आवास पर बसंत सोरेन के समक्ष झामुमो में शामिल हो गए। इसके साथ ही लुईस मरांडी ने कहा कि दुमका के साथ साथ दुमका जिला के सभी चारों विधानसभा सीट पर झामुमो व घटक दल का कब्जा होगा। आप लोगों के सामने दुमका प्रखंड जो हमारा 25 पंचायत का प्रखंड है, इस 25 पंचायत से सभी जो मेरे साथ काम करते रहे हैं पिछले 24-25 वर्षों से, सभी कार्यकर्ता आज मेरे साथ आके माननीय विधायक बसंत सोरेन जी के सामने उनके हाथों से ज्वाइनिंग ले लिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हो गए हैं। और आज इन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग बसंत जी को भारी से भारी मतों से विजयी दिलाएंगे। इससे दुमका मजबूत होगा, जामा विधानसभा मजबूत होगा और कौन कौन सा विधानसभा मजबूत होगा? देखिए, हमने कल भी कहा था कि इस दुमका जामा सिकंदपड़ा या इस जिला को उसमें जगमंडी की अलायंस में हमारा है तो बसंत जी गाइडलाइन हम लोग को देंगे और सभी सीट हम लोग जीतेंगे। उसी तरह से काम भी हो रहा है और रणनीति भी हो रहा है।